हेलो गाइस, हेलो मेरे दोस्त। आज क्या है? आज हमारा छुट्टी है। छुट्टी क्यों है हमारी? छुट्टी को रेस्ट है? नहीं यार, छुट्टी को कहाँ जाना है? छुट्टी को बाहर जाना है। बाहर कहाँ जाना है? बाहर हम जा रहे हैं आज एक बेबी फेयर में, जो कि मतलब फेयर एग्जीबिशन टाइप होता है। और आपको पता है हमारा बेबी आने वाला है, तो हमें बहुत सारी चीजें प्रिपेयर करनी है। तो उसके लिए हम बेबी फेयर पे जा रहे हैं। वहाँ पे अलग अलग चीजें होंगी और अलग अलग चीजें हम वहाँ पे देखेंगे, और हमें अगर कोई चीज अच्छी लगी तो हम अपने बेबी के लिए ले लेंगे। और हमारा कुत्तों की, और गर्मी कितनी है कोरिया में ये बताओ। मैं कोई व्लॉग मेरे को ऐसा लगता है मैं हर व्लॉग में बात करूंगी गर्मी की। जब तक गर्मी है ना कोरिया में, आई विल टॉक अबाउट गर्मी। हमारा एसी सेव्स अस। पर बाहर इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है। Who invented एसी? अच्छा प्रश्न। एंड मेरी ना आजकल स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो गया है बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी। मेरा फेस इतना ज्यादा ड्राई हो गया, लाइक स्केल्टन मतलब। और पता है मेरे पास इतनी सारी स्किन केयर है, आप सोचोगे कि मैं स्किन केयर एक्सपर्ट होंगी, बट एक्चुअली मेरे पास इतनी सारी स्किन केयर है, बट जब कोई प्रॉब्लम आती है ना, जैसे मेरी स्किन इतनी ज्यादा ड्राई और इतनी ज्यादा रफ, एकदम ऐसे ना जैसे सरफेस एकदम खुरदुरा सा हो गया वैसी हो गई है, तो मेरा कोई स्किन केयर काम नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। फीलिंग सैड 4-5 दिन से, क्योंकि मैं जब भी ऐसे हाथ लगाती हूँ ना, मुझे थोड़ा थोड़ा पेन होता है, इतना गरम गरम सा लगता है मुझे। स्टिल प्यारा है ना? We would like to show you sort of baby items, but even we don't know which items are required and what items there are. Still, we just wanna go there for seeing tteokdeogi items, and if it is required, we think. कोरिया में ना बेबी फेयर का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे ना मतलब हर 2-3 महीने बाद बेबी फेयर होते रहते हैं। वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट शॉप्स वाले अपना जो स्टॉल है कुछ बूथ टाइप लगाते हैं, और फिर उसके बाद अपने जो आइटम्स है वो दिखाते हैं। और जैसे टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ रही है, तो ये जो आइटम्स है ना वो भी बहुत ही ज्यादा एडवांस और मॉडर्न हो रही है, जो हमें भी नहीं पता कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो हम बेबी फेयर में भी लुक अराउंड, आई थिंक इवन मेरी दोस्त maybe required baby items. No, baby items. If मेरी दोस्त is pregnant और मेरी दोस्त wants to buy something for babies. आपके पास भी एक बच्चा है ना? बच्चा है। अगर आपके पास भी बच्चा है तो प्लीज कॉमेंट में बताना कि आपके पास बच्चा है कि नहीं है, है नहीं, या आप खुद बच्चे हो, है ना? They themselves can be बच्चा ना। अच्छा ठीक है, बच्चे भी आ जा। तो पर मुझे भी बहुत डर लग रहा है बाहर जाने से, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है, बट वी हैव टू गो। गर्मी है तो भी हमें जाना पड़ेगा। ओ जोक्सो मेरी तरफ फैन कर रहा है, एसी भी चल रहा है और फैन भी चल रहा है। आई वांट टू ब्रिंग दिस फैन बाहर पूरा उठा के। मेरे पास एक छोटा फैन है बट उसको ऐसे पकड़ना पड़ता है। Oh, I feel so lazy. ऐसे सारा टाइम पकड़े रखो बाहर। Have you recharged it? No. क्या? मैंने रिचार्ज ही नहीं किया अपना। मेरे बस यही दिक्कत होती है हमेशा। मैं भूल जाती हूँ रिचार्ज करना। तो हम रेडी हैं? हम सब कुछ रेडी हो। तो हमें अभी निकलना पड़ेगा। अभी बजे हुए हैं 12:30 बजने वाले हैं। तो मेरे को लगता है हम 1:30 बजे पहुंचेंगे। चलो चलो। अभी हम कहाँ पे हैं? अभी हम पहुंच गए हैं और अभी हम एग्जैक्ट जो है वो सेंटर ढूंढ रहे हैं। हाँ, बहुत गर्मी है वो अंदर से, बहुत ठंडा गर्मी से मैं मर जाऊंगा। मैं भी। अभी हम मॉल में हैं, मॉल से ही अंदर से ही रास्ता है एग्जीबिशन वाले हॉल का। गाइस अभी ना वो एग्जीबिशन हॉल जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छी जगह है, मैंने फोटोज भी दिखाई हुई है बट कभी वीडियो में नहीं दिखाई। ये देखो कितनी बड़ी लाइब्रेरी है यार। ये देखो गाइस, ये ना कोरिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। इसमें देखो बुक्स कितनी ऊपर तक रखी हुई हैं। आप ये सोचो कि ये बुक्स रखी कैसे होंगी, और ये एक मॉल के अंदर है। जोंगसू का चक्कर आ गए। अब मैं सोच रही हूँ मैं यहाँ पे कुछ फोटो क्लिक कराती हूँ। पहुँच गया है यहाँ पे एग्जीबिशन हॉल है। हमें कौन से हॉल में जाना है? हॉल बी। हॉल बी, ओके, राइट साइड।
ये पढ़ नहीं सकते, बट ये कोरियन में लिखा है। क्या लिखा है कोरियन में? फ्लोबर बेबी फेयर। मैं पहली बार किसी बेबी फेयर में जा रही हूँ, तो आई एम सो एक्साइटेड। और देखो कितने सारे लोग हैं जो जा रहे हैं। इंसान है, लोगो है, इंसान इंसान है ना। मेरी पत्नी वॉशरूम जाना है। सी यू, मेरी अभी मिस करेंगे। अभी यू कैन एंटर। तो यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रॉलर्स हैं और साथ में आई थिंक कार सीट्स भी हैं। कार सीट्स एंड स्ट्रॉलर्स। बच्चे क्या, ये कितना क्यूट लग रहा है। लुक्स फनी ना, इतनी पगलो लग रहा है। ये पगलो लग रहा बच्चा, ये स्माइल है। बच्चे सो रही है। उठ जा बच्ची, उठ जा। बच्चा को कुशन चाहिए होता है, बेड अपना छोटा सा, तो उसके लिए पीछे कुशन है। ये कौन सा नंबर है? रैबिट। Oh, yeah, seems like. हमारे पास सेम ऐसा एक है ना? Oh. गिफ्ट मिला था। सेम इसी ब्रांड का ही है। देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। ये कार सीट पे लगने वाले कूलिंग वाले जो ब्लैंकेट like this. हाँ, स्ट्रॉलर में भी लग सकता है, कार सीट में भी लग सकता है। ये ठंडा एयर अंदर आ जाएंगे ना। यहाँ पे बेबी के कपड़े हैं। आप ये चीज देखोगे, कोरिया में कलरफुल कपड़े नहीं मिलते ज्यादातर बच्चों के, वाइट बेज आइवरी यही मिलते हैं। ये कितना क्यूट है और इतना सॉफ्ट है ना यार, बहुत सॉफ्ट है। मैं पहनना चाहती हूँ इतना सॉफ्ट वाला कपड़ा। हाँ बेबी भी सॉफ्ट सॉफ्ट होगा ना। जल्दी जल्दी। ये क्या है? बेबी कैरियर। अभी ये जोंगसू पे ट्राई कर रहे हैं कि ये कैसे लगता है और कैसे कंफर्टेबल है। पहले मैं ट्राई करना चाहती थी पर उन्होंने बोला कि मेरा वाओ दिस इज सो सॉफ्ट है ना। थिंक लाइक टोकटोकी इज देयर। ये बच्चा 4 kg का है और मैंने जब उठाया मुझे हैवी लगा। रखे 3 months का बेबी है ना, 3 months बेबी और बहुत हैवी है ये। ये बेड्स देखो कितने सुंदर हैं यार, सुंदर है ना। हाय यार मुझे चाहिए अपने लिए। वाव ये वाला कलर और ये छोटा सा बेड एंड ये वाला बेड, कितने प्यारे प्यारे बेड्स हैं। बेड के ऊपर मेरा दिल आ गया है, कितना सुंदर पिंक बेड है, मुझे भी बेबी बनना है। तो गाइस अभी हम ये जो एग्जीबिशन है हमने देख लिया है, यहाँ पे बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग सा सामान था। बहुत अच्छा। तो हमें ना 2-3 चीज़ें पसंद आई हैं, तो क्योंकि वो हैवी हैं तो हमने उनका ऑर्डर प्लेस कर दिया और वो डायरेक्टली घर पे आएगा। तो जब आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छी चीजें ऑर्डर की है हमने। एक तो शायद आपने वो बेबी कैरियर देख ही लिया है जो जोंगसू ट्राई कर रहा था, तो वो बहुत सही था। तो अभी हमें बहुत ज्यादा भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो अभी कुछ खाने पीने का इंतजाम करेंगे। खाना खाएंगे, बहुत सारा खाना खाने। हाँ पेट पूजा चल। मेरी दोस्त भी बहुत भूख लग गया। दोस्त भी आ जा, खाना खाना है। ये क्या है? प्लेट। प्लेट मतलब फिर फूड दे दो, बहुत महंगा लग रहा है। ओ एक निकाल के घर ले जाते हैं। ये एक ही बहुत महंगा होगा। ग्लास है। If they don't block it with the glass, then people will steal it as like your money. ये है एक वियतनामी रेस्टोरेंट, तो हम सोच रहे हैं कि हम वियतनामी रेस्टोरेंट में आज वियतनामी खाना खाएंगे। जोंगसू अभी लाइन में लग गया, अंदर बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो हम अभी बाहर वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। क्या खाना है आज? हम वियतनामी खाएंगे। बहुत सारा खाना है। ये जोंगसू की चॉइस है वियतनामी खाना खाने की।
ये जोंगसु का ही मन करता है डिफरेंट डिफरेंट अजीब अजीब से रेस्टोरेंट में खाना खाने का. You will enjoy यार. पहले हमारे पास आया है ये है जीरो कोला और ये क्या फेंटा है ना? फेंटा पाइनएप्पल फ्लेवर. पाइनएप्पल फ्लेवर. ये है पाइनएप्पल राइस, पाइनएप्पल फ्राइड राइस. खाना खत्म, पेट भर गया. देखो इस लड़के को. हम घर जाने. Thank you.